सब कह रहे हैं हमने गजब काम किया, करोड़ों का मुनाफा हर एक शाम दिया, फल सालों से अब देगा, पौधा जो लगाया है सेवा। I will try to translate myself in English to here. हाँ, पहले हिंदी में कह देते हैं। सब कह रहे हैं कि हमने गजब का काम किया है, करोड़ों का मुनाफा हर एक शाम दिया है, फल सालों में अब देगा, पौधा जो लगाया है सेवा का समर्पण का हमने फर्ज निभाया है। एवरीबडी इज एप्रिसिएटिंग कि आई हैव डन ए ट्रेमेंडस वर्क। ईच एंड एवरी ईयर आई हैव अर्न क्रोर्स एंड क्रोर्स एवरी डे एंड दे आर सेइंग आई लालू यादव हैज प्लांटेज ए फ्रूट ट्री एंड एवरी ईयर इट इज ड्यूटी ऑफ माई टू ग्रो फ्रूट ट्री। नीत नहीं हर के मन में इच्छा है, मायावती जी के मन में इच्छा है, सबकी मन में इच्छा है और हमारे मन में भी प्राइम मिनिस्टर बनने की इच्छा है। और क्यों नहीं रहना चाहिए, लेकिन हमको कोई हड़बड़ी नहीं। दौड़ने से इधर से उधर बिना मेल के बिया कनपट्टी भर से नूट रगड़ने से कोई नहीं बनता। जो बेमेल का अन्न आई कैन ट्रांसलेट इट इन इंग्लिश ऑल्सो। आई डिड नॉट वॉन्ट टू वेस्ट द टाइम, आई विल एक्सप्लेन लेटर। माननीय ज्यादा चुकी है, कोई बोलता हाइजेक के विषय में जानकारी नहीं, कोई बोलता 1 2 3 क्या है रे भाई, ये 1 2 3 सब एमपी साहब लोग जानिए, आप लोग जानते हैं, हमसे ज्यादा विद्वान लोग हैं, एक से एक थिंक टैंक लोग बैठे हुए हैं। ये एग्रीमेंट का नाम है 1 2 3 एग्रीमेंट। और जो हाइजेक्ट है, ये हाइजेक्ट कांग्रेस वो अमेरिका के सीनेट का है, उसमें उसको वो हम पर बाध्यकारी नहीं है। अगर वो ले जाएगा अपने सीनेट में तो राष्ट्रपति को ये अधिकार हाइजेक देता है। वासुदेव बाबू बोलिए, ठीक है ठीक है, चलिए। अरे यार बैठिए, बोलना होगा बोलना, बैठिए। आप इल्ड नहीं कर रहे हैं, आई एम नॉट इल्ड। डाइवोर्स करने का भी प्रोविजन, ओके गुड बाई टाटा। आजकल डाइवोर्स बहुत होता है, इसलिए कि अरेंज मैरिज नहीं हो रहा, बेकार था बात हो रहा, इसलिए डाइवोर्स का भी प्रोविजन है। डाइल्यूट करते हैं आप कंफ्यूज करते। हाँ ठीक है, याद आ गया हमको, एक लिख के लाए हैं हम। तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। बिल्कुल है, यह हमारा और किसने महोदय ये रेलवे का टर्न अराउंड बात कह रहे थे आडवाणी जी। देखिए आडवाणी जी, ठीक है, कोशिश है, अपना करते हैं, करना चाहिए, पाइपलाइन में रहना चाहिए, लेकिन लाल किस आडवाणी वाजपेयी जी नहीं ना है। वाजपेयी जी का कुछ वोट दूसरे ढंग से भी मिलता था, अब ये सब जुट गए हैं। सुना मायावती जी का नाम, अब ये मायावती जी का नाम, ये बीजेपी का, ये सारा नाम सुन के ये सब आपस में आईसीयू में नहीं गए हैं, मैंने स्वस्थ लोग रहे हैं, कोशिश करते रहे। हम पर सीबीआई का केस नहीं चल रहा है क्या, हमारे बीएसपी के साथ ही चले गए। अब मत आना वोट के समय तक, आप स्वाभिमानी लोग हो, मत लौटना, चुपचाप में आप। सीबीआई का केस हम पर चल रहा, हमारा 24 एमपी महोदय लोकसभा का, एक
भी फेवर हमको कोई बता दे कि कांग्रेस और प्रधानमंत्री जी ने या सोनिया जी से हम कोई फेवर लिए हो, केस हमारे खिलाफ सीबीआई लड़ रही है। लालू यादव रावड़ी देवी पर जब केस हुआ तो ये केस रिकॉर्ड है, यहां निकाल के देखे बहुत है, इनकम्प्लीट इन्वेस्टिगेशन को नाम यहां लिया गया कि मुख नंबर पर कौन आदमी का नाम है। स्वर्गीय गुप्ता जी नहीं है, होम मिनिस्टर थे, सेना बुलाया गया हमको गिरफ्तार करने के लिए इस देश में। सीबीआई के खिलाफ हम बोलते रहे, सीबीआई का इस्तेमाल किसने किया, ये कौन लोग थे। महोदय आज केस हमारे ऊपर है, अगर सीबीआई पर प्रभाव डालती सरकार, मैं धन्यवाद देता हूं प्रधानमंत्री जी को, सोनिया गांधी जी को, ये फॉल प्ले करने वाले लोग नहीं है। कैसा दूध का दूध पानी का पानी फैसला होगा। मायावती जी पर अगर केस है तो उन्होंने अपना कागज पत्र बनाया है, ठीक ही बनाया होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, गवर्नर ने, जब कांग्रेस की कोई बात थी गवर्नर ने तो अप्रूवल नहीं दिया, हमारे खिलाफ तो गवर्नर अप्रूवल दिया। इसलिए आजकल राजनीति में फैशन हो गया कि अपनी गलतियों को छिपाने के लिए कहा जाता कि सरकार फंसा रही है, सरकार फंसा रही है। फंसाने से कोई फंसता है? फंसाने से नहीं फटता। मैं विरोधी था बादल जी को जब कैप्टन ने केस किया था, ये लेग पुलिंग नहीं होना चाहिए। हम पॉलिटिकल लोग हैं, एक दूसरे के खिलाफ केसबाजी मुकदमाबाजी हमने कभी भी नहीं सराहा और न आज करते हैं, और बिहार में हमारे साथ हुआ, हो रहा है। बहुत सारी बातें ये सब चलते रहती है महोदय, इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी, देश का निष्ठावान प्रधानमंत्री जी और सक्रिफाइस सोनिया गांधी जी का, और राहुल गांधी नौजवान नेता उदयमान कालावती नाम रहे थे, कालावती नाम गांव की बेटियों का है, ये मखौल उड़ा रहे थे, डम्पी पंपी नाम रहता तो इनको अच्छा रहता, ये डिमोरलाइज करना चाहते, डिमोरलाइज करना चाहते, बोलने देना चाहिए, अवसर है। इसलिए देश के किसान भाइयों को हम बिजली देना चाहते। महोदय कोयला नहीं है आपके पास, बाहर से कुकिंग कोल हम ला रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से, इंडोनेशिया, वासरी में जाता है प्लांट चलने के लिए दादा, और ये हमारे पास कोयला का भी स्टॉक नहीं है, और कोयला ढोते ढोते हमारा रेल का पहिया किया गया है। फ्यूल का दाम, फ्यूल का दाम, डीजल का दाम, पेट्रोल का दाम, गैस का दाम मनमोहन सिंह जी नहीं बढ़ाते हैं, किरासन तेल का दाम नहीं बढ़ाते हैं, दुनिया में हमको जितना जरूरत है भारत में नहीं है, बताना नहीं चाहिए था आप लोगों को। आपने कितना बार बढ़ाया, कितना सब्सिडी हम दे रहे हैं, और तेल की बात तो लोग भूल गए, हम जो भी कमाई कर रहे हैं हमको तेल के मामले में हम चुसा के हमारा पैसा बाहर जा रहा। चिदम्बरम फाइनेंस मिनिस्टर जी बैठे हैं, ये यहां देश के किसान गरीब मजदूर नौजवान गेहूं चावल मक्का बंपर खेती काम का अधिकार, बेकारों को काम दो या बेकारी भत्ता दो 100 दिन का, हमारी सरकार ने गरीबों को काम का इंतजाम, क्या बोलते हैं काम नहीं मिला, गुप्ता जी बोलते हैं जॉब नहीं मिला, सड़कों का निर्माण, राज्यों को, राज्य में हम ही मुख्यमंत्री रहे, राबड़ी देवी भी रही है, दिल्ली से पैसे नहीं मिलते थे, आज राज्यों के वित्तीय हालत कितनी